हे गाइस, क्या आपको अभी अभी किसी ने बताया कि अगर आप गरम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दें, अगर आप थोड़ा सा तेल डालकर इसको गरम होने दें थोड़ी देर, और उसके बाद इसी में जरा सा जीरा डाल दें, और जब जीरे गुस्से में तड़पने लग जाए उसी के बाद थोड़ा सा इसमें आप हरी, ये कटे हुए कुछ हरी मिर्च है, गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी, इन सबको हम लाइन से डालेंगे, फिर देखिएगा क्या बनता है। और ये जीरा गरम होते ही हम डाल देंगे मिर्ची। मिर्ची को पकने के बाद थोड़ी देर हम अब इसी में डालेंगे हम टमाटर कटे हुए कुछ, और इन टमाटर को प्यार से भूनना है हमें थोड़ी देर, जब तक ये थोड़ा गल ना जाए। और इस टमाटर को हमें आराम से गलने तक छोड़ देना है। आप इसमें नमक डालकर भी थोड़ा गला सकते हैं देर तक। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर थोड़े से गल चुके हैं, ज़्यादा नहीं, हमें हल्का सा करना है। और उसके बाद हमें ये दो गाजर और ये पत्ता गोभी दोनों को एक साथ डाल देना है, ठीक है। ये हमने गाजर डाल दिए, ये पत्ता गोभी, अभी सब कुछ डालकर हमें धीमी आंच पर इन्हें पकाना है आराम से, ठीक है। इसमें हम अब थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि अच्छे से स्वाद आए। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि ये अच्छे से सिंझ जाए। और थोड़ी देर गलने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करके मसालों को भून लेंगे। मसालों को अच्छी तरह से जब भून जाए इसे थोड़ी देर हम इसे और ढक देते हैं ताकि अच्छे से। तो अब हमारे मसाले अच्छी तरह से के भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। इस पानी को हम अच्छे से उबाल आने तक इसे आराम से पकने देंगे। आप चाहे तो अपनी मर्जी से और भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी डाला है। अब इसे हम अच्छी तरीके से उबाल आने तक ऐसे ही ढक के रख देंगे आराम से। तो ये देखिए, इस तरीके से अब हमारे सूप में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब इसे आप सर्व करके खाइए। ये हमारा सूप प्योर वेज सूप बना विदाउट अनियन एंड गार्लिक। इंजॉय करिए आप इस सूप को। आई होप ये वीडियो आपके लिए होपफुल रही होगी। थैंक यू।